लुधियाना पुलिस ने फोकल पॉइंट इलाके च मनी ट्रांसफर की दुकान से लुट के मामले च तीन दोषियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हों के कब्जे चो 315 बोर का पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 1,05,200 रुपए की नकदी आदि बरामद किए हैं। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने दस्सिया कि मुलजमान ने 15 नवंबर को श्री वास्तवा एसोसीएट्स नाँ की दुकान से लुट की वारदात को अंजाम दिता सी, जब दुकान का मालिक नवनीत कुमार श्री वास्तव अपनी दुकान बंद कर लगा, जिथे उसकी पत्नी अमृता नंदा और बेटी वास्तवा भी मौजूद सन। जदों अमृता ने विरोध किया तो दोषी ने तेज हथियार ने उसके हाथ से हमला कर दिता सी। उस समय दो होर अणपछाते दोषी दुकान च दाखिल हो गए, जिन्हां चों एक दे कोल पिस्तौल भी सी। दोषी ने यह भी दस्या कि केड़ी गोली अमृता के सज्जे पट ते लगी सी, जिस तों बाद मुलजम उस कोलों नकदी वाला बैग खो के लै गए। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोषियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्हां दे कब्जे चों 315 बोर का पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 1,05,200 रुपये की नकदी आदि बरामद किए हैं। मुलजमान का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड भी है। देखो 15 नवंबर की रात को ये बड़ी वड्डी वारदात एक रॉबरी की हुई सी फोकल पॉइंट एरिए जिहड़े कि श्रीवास्तवा मनी एक्सचेंजर नाम की दुकान सी, जिथे मनी एक्सचेंज का भी काम करते तो होर भी नाल छोटा मोटा बिजनेस अपना करते सी। वो उत्थे नवनीत श्रीवास्तवा जिहड़ा दुकान का मालिक है और पत्नी अमृता नंदा और उन्होंने बेटी वो तीनों उत्थे हाजिर सी। जो शटर डाउन कर लगे तो अचानक तीन बंदे पहला आए दात दे नाल डरा के उन्होंने पैसे खोहन की कोशिश की। उहदे छत्तों पाई च अमृता जिहड़ी वाइफ ऑफ नवनीत श्रीवास्तवा इंजर्ड होए। उस तों बाद जदों उत्थे हफड़ा दफड़ी पै गई तां तीन मुलजमान तो अलावा दो होर उन्होंने साथी अंदर आए, जिन्हों को जो एक दो कोल पिस्टल सीगा उन्हें फायर भी किए अंदर आके जो देखा कि स्कफल हो रही है। उस फायरिंग इंसीडेंट के अमृता उन्होंने लत के उत्ते गोली लगी और उन्होंने असी इमीजिएटली उत्थे जाके सारे ने अपना इलाज कराया, PGI तक भी जाना पिया। तो उस तो बाद बड़ा ब्लाइंड केस से, 5,80,000 कैश उत्थों चला गया सी, लैपटॉप सी, होर चीज़ा सगिया उन्होंने कार्ड्स वगैरह वो लै गए सी। वो प्रोफेसनल तरीके ना सारी असी इनू इनवैसटीगेशन इनडैप्थ किया, साड़ी CIA की टीम जिहड़े इन्हां दे सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स दे रहनुमाई च इंचार्ज CIA ने भी ते उन्हां दी टीम ने सारे ने ना बड़ी मेहनत की इस केस के उत्ते और इहदे च कामयाबी सानू मिली है। जिहड़े मेन मुलजम है बॉबी ये सिद्धू वाला थाना भादसों पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच पैंदा है, उत्थों दा रहण वाला है। वो एक साथी हैगा सिलेंदर मिश्रा जिहड़ा वारदात शामिल सी, ते एक सुनील कुमार इन्हां दा जिन्हें इन्हां दी सारी रैकी वगैरह कराई सी ते होर वारदात नूं अंजाम देण दे विच इन्हां दी मदद कीती सी। वो भी तीनों असी मुख दोषी जिहड़े गिरफ्तार किए हैं। 315 दा जिहड़ा मेन पिस्तौल है जिहदा वारदात होई सी और उहदे नाल जिहड़े कार्टरेजिज ने 5 वो मिले है, 1,05,200 रुपए के करीब कैश बरामद होया, जिहड़ा खोया गया सी मोटरसाइकिल जिहड़ा वरत्या सी वो भी बरामद होया, बाकी चीज़ा जिहड़ियां बैग वगैरह होर ईवन लैपटॉप जिहड़ा उत्थों लैके गए सीगे वो भी सारा बरामद कर लिया। जिहड़ा मुख दोषी है बॉबी सिंह ये काफ़ी क्राइम पेशा इहदा रिकॉर्ड है और 6 साल जेल चों कट के आया, वक् वक् डिस्ट्रिक्ट्स दे विच मुकदमे दर्ज ने, खन्ना चाहे नवांशहर चाहे ना ते और कमिश्नरेट लुधियाना च भी पुराने मुकदमे हैगे है। इस तरह जिहड़ा सिलेंदर मिश्रा है ये भी 3 साल जेल च रह के आया, ये खिलाफ़ भी डकैती दे नवांशहर च फोकल पॉइंट लुधियाना च भी पुराने मुकदमे हैगे है। और ये वारदात जिहड़े करन दे विच दो मोटरसाइकिल मौके पर छड़ गए सी, बाकी तो ये उतों गायब हो गए सीगे अपने। वो एक मोटरसाइकिल टिब्बा थाने तो 2-4 दिन पहला ही इन्होंने खोया सी, वो भी मुकदमा दर्ज है। और एक जिहड़ा डेलो थाने दे विचों चोरी किया सी एक ढाबे तो वह भी बरामद कर ले गए है। जिहड़े इन्हां तीन होर दोषी ने उन्हां दी भी जल्दी गिरफ्तारी सानू उम्मीद है, क्योंकि साडी पार्टी उहदे मगर भी लगी हुई है। बट केस सानू क्लीयरली ट्रेस हो गया और मेन जिहड़ा मुलजम है अलोंग विद वैपन तो समान वो बरामद होया। इहदे च असी मैं इंचार्ज CIA हरमिंदर सिंह ते उन्हां दी टीम नूं सारे नूं इत्थे ऑनर भी किया। और इस तों अलावा जिहड़े इस मुढ़ली पुछगिछ तों इन्हां तों पता लग्गिया कि जिहड़े रायकोट या होर एरिए च 1-2 होर डिस्ट्रिक्ट पंजाब दे भी शामिल होए उहदे च, वो साडी इन्वैसटीगेशन च आए है। उत्थों भी मोबाइल, होम थिएटर, LCDs वगैरह वो काफ़ी नवें जिहड़े अच्छे टॉप क्वालिटी के वो असी बरामद किए हैं इन्हां तों। अगे जिहड़ी पुछगिछ चल रही और मैनूं उम्मीद है कि आने वाले टाइम च होर भी
इन्हें तो रिकवरीज हो गई। इन्होंने घर कमरे किराए वगैरह तो ले हुए थे और अगे वेच देंदे सी जी, उहदे च वी जिहड़े खरीददार ने इन्हां दे जिहड़ी स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदने वाले दो हैगे, एक अशोक हैगा अपने मसीह और एक अशोक कुमार, वो भी दोनों असीं अरैसट किए जिहड़े उस चोरी का समान इन्हां तों लैंदे सी। बाकी कुछ इन्होंने अपने काम वास्ते खर्च लिया तो कुछ चीज़ा भी लिया, वो सारिया असी बरामद कर रहे हैं, हाउस होल्ड चीज़ा भी ले लिया, होर भी खर्चे किए। बाकी जो तीन मुलजम उन्होंने भी वंड हुई सी, वो भी सारे रिकवरी हुण होएगी उन्होंने अरैसट तो बाद। हाँ जी बॉबी सिंह तुहानूं मैं दस्सिया इत्थे लुधियाणे किराए ते रहिंदे सीगे, पिछों रहिण वाला पटियाला डिस्ट्रिक्ट दा जिहड़ा अपने हैगा सुरिंदर मिश्रा, ये पिछों बिहार का पर हुण लुधियाणे रह रहा। इस तरह सुनील कुमार भी पिछों बिहार का पर रहने वाला रह रहा इतने ढंडारी कलां। देखो ये जेलों रहे और पुराने वारदाती बंदे एक दूजे कनैक्टेड है पुराने, और इदा इन्होंने सलाह मशुरा करके रैकी करके भी इतने शाम को कोई ज़्यादा रजिस्टेंस नहीं होंगी और पैसे भी होंगे, जिमें 5,80,000 काफ़ी अमाउंट है, तो वो इन्होंने उस तरीके वारदात को अंजाम दिता, प्री प्लैन किया कि मोटरसाइकिल कितों खोए और चोरी किए उस हिसाब ना उन्होंने ताकि पुलिस को मिसलीड किया जा सके। देखो लगे तो 5-10 दिन तो पहला सके ही, बट जिदा 10 पाने बंदे होंगे अगे तो अगे दसी जाते, वो फिर उन्होंने बेसिकली होर थोरो करके इन्होंने 15 तरीक न सारी काम। देखो जी वो असी सारे मतलब तकरीबन मुलजम जोड़े आइडेंटिफाई कर ले, जल्दी तो जल्दी शेयर करा। एनकाउंटर लुधियाना तो इनका रिपोर्ट।